बोले देवाद्रिम श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय जय देवाद्रिम श्री महावीर भगवान की जय। जय जय संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूजमणि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय बोले परम पूजमणि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। जय जय बोले परम पूजमणि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। जय जय देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर की आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें उसके पूर्व धर्म प्रमाण समिति और सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं हम और आप प्रतिदिन की भांति हम और आप गुरुवर से जुड़ेंगे और शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। तैयार हो जाएं पारस चैनल जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहां पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनिवर केसरी चरणों में कोटिश नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और नमन करेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हमारे बीच में अशोक नगर महिला मंडल की श्राविकाएं उपस्थित हैं, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इसी क्रम में अंबिकापुरी महिला मंडल की श्राविकाएं भी हमारे बीच उपस्थित हैं। बेबी गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। और हमारे बीच में हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान टोंगिया जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा शिरोमणि संरक्षक हैं, मैं आमंत्रित करूँगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंद। और आइए चलते हैं हम और आप निवेदन करेंगे परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से आपके नामों की घोषणा करेंगे और समाधान प्राप्त करेंगे मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखाग्नि से। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं गुरुवर के चरणों में और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सुशील जी पांड्या इंदौर, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मणिधर परिवार विदिशा व्योम जी उनके साथ में। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर पिछले कुछ दिन पहले आपने प्रवचन में कहा था कि दृष्टि को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, मगर गुरुवर मेरी सोच और मेरा मन साफ है और सामने वाले का मन और सोच दोनों गलत है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी सोच को कैसे समझा जाए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अगर मेरी सोच साफ है, मेरा मन साफ है, मुझ में सकारात्मकता है और सामने वाले की सोच हमें नकारात्मक दिखती है, तो हमें उसे भी सकारात्मक लिहाज से सोच लेना चाहिए और इसे उसकी परिणति मान लेना चाहिए, उसका स्वभाव मान लेना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति मान लेना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। और ऐसे लोगों के प्रति मन में ये भावना भानी चाहिए सबको सन्मति दे भगवान, हे भगवान उनको भी सद्बुद्धि मिले, उनकी सोच अच्छी बने। सामने वाले की सोच यदि खराब है तो उसके साथ हम अपनी सोच को खराब होने से बचें। नमस्ते गुरुदेव। अपने बीच में जो अहरनीश व्योम जी मणिधर परिवार से गुरु सेवा में लगे रहते हैं, आज उनका पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है और मैं चाहूँगा कि व्योम भैया प्रश्न कौन सनत भैया, हाँ सनत जी मणिधर परिवार सनत कुमारी जैन विदिशा अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अशोक नगर महिला मंडल। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु आप अवध ज्ञानी है अंतर्यामी है, आप मुझे ये बता दें
इस पंचम काल में अभी मुनि महाराज बहुत बढ़ रहे हैं, तीर्थ सब कुछ बढ़ रहे हैं, पर तीर्थ क्षेत्रों पर क्यों इतने अतिक्रमण हो रहे हैं, मुझे इसका समाधान करने का कष्ट करें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दूँ। ये व्योम के बड़े पिताजी हैं और अभी अभी इन्होंने विदिशा में, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, अपने भूखंड पर अपने द्रव्य से संपूर्ण मंदिर का निर्माण कराकर पंचकलानक कराया और पंचकलानक के बाद एक बड़ी राशि शीतल धाम के लिए समर्पित की और मंदिर की सार्वजनिक व्यवस्था संपन्न कर रहे हैं। ये अनुकरणीय आदर्श है और एक बार पुनः इनका अभिनंदन करते हैं। आपने पूछा अवधि ज्ञानी है निमित्त ज्ञानी, बिल्कुल नहीं है, ना मुझे अवधि ज्ञान है ना निमित्त ज्ञान है, मैं तो अज्ञानी हूँ, आप लोग भ्रम मत पालो। सुनो, अब आपने जो कहा है कि मुनियों की संख्या बढ़ने के बाद भी हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण क्यों बढ़ रहे हैं, देखिए तीर्थों पर होने वाला अतिक्रमण बड़ा गंभीर और चिंता का विषय, हमें इसके कारणों पर गंभीरता से विचार करना होगा और इसके कारणों का निवारण करना चाहिए। इनके पीछे कई कारण हैं और कभी मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। मैं नहीं चाहता कि अभी सार्वजनिक रूप से इसके विषय में कुछ बात करें, लेकिन एक ठोस कार्य योजना समाज के बीच में होनी चाहिए। मेरे मानस में बहुत सारी बातें हैं, समय पर बताऊं। अशोक नगर महिला मंडल, वे अपना प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। चंद्रकला जी पाटनी, रांची। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। हम श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अशोक नगर इंदौर की महिला मंडल से हैं। आपको हमारी पूरे अशोक नगर समाज की तरफ से बारंबार त्रैवार नमोस्तु 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 महाराज जी। बोलो। हे गुरुवर, हमारा प्रश्न यह है कि जैन धर्म की शुरुआत कौन से काल से मानना चाहिए और सबसे पहले मुनि धर्म कौन से मुनि से शुरू हुआ, क्योंकि सभी तीर्थंकर जैन न होकर क्षत्रिय वंश के थे। चारण रिद्धिधारी मुनि भी हुए, आकाशगामिनी आदि मुनि भी हुए। समझ गया आपके प्रश्न का दो आशय है। जैन धर्म की शुरुआत कब से हुई और सबसे पहले मुनि कौन जी। ऐसे तो देखा जाए जैन धर्म कभी शुरू हुई नहीं हुआ, वो अनादि और अनिधन है, अनंत काल तक प्रवर्तमान रहेगा। वर्तमान में जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव हैं, क्योंकि वे ही प्रथम तीर्थंकर हैं। और जैन धर्म के सबसे पहले मुनि की बात करो तो भगवान ऋषभदेव पहले मुनि बने, बाद में वो भगवान बने। तो पहले मुनि तो ऋषभदेव ही हुए। और यदि हम फिर भी जैन शासन के प्रवर्तन के बाद के पहले मुनि की बात करें तो वृषभसेन गणधर भगवान महावीर ऋषभदेव के चरणों में दीक्षित व्यवस्थित शुद्धाचारी पहले मुनि के रूप में गिनना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अंबिकापुरी से चंद्रनाथ महिला मंडल पूरा एक साथ खड़ा हो जाए और प्रश्न करेंगे। प्रेरणा सोडानी, एक ही प्रश्न करें तो अच्छा है, दो प्रश्न न करें। नीचे वाला प्रश्न अच्छा है, एक प्रश्न कर लें उसके बाद में। चंद्रकला जी पाटनी, रांची। गुणायतन के जो मंत्री हैं वे महाराज श्री के चरणों में। अंबिकापुरी चंद्रनाथ महिला मंडल की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में प्रथम रत्नमयी सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है, तो यह सहस्त्रकूट जिनालय क्या होता है एवं हम महिलाएं ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिससे समाज को धार्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में आगे ले जा सके। देखिए, वर्तमान में सहस्त्रकूट एक बड़ा चर्चित विषय हो गया। परम पूज गुरुदेव की कृपा से देश में अनेक सहस्त्रकूट जिनालयों की संरचना हो रही। सहस्त्रकूट का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। ऐसे सहस्त्रकूट का शाब्दिक अर्थ देखें तो सहस यानी हजार और कूट का अर्थ होता शिखर। हजारों शिखर वाले जिनालय को सहस्त्रकूट मंदिर कहना चाहिए।
और ऐसे उल्लेख पुराणों में आते हैं कि ऐसे सहस्कूट जिनाले थे जिनका बंद द्वार था, श्रीपाल आदि के प्रताप से वो द्वार अपने आप खुल गया, ऐसी चर्चा है। लेकिन वर्तमान में जब हम सहस्कूट की संरचना की बात करते हैं तो वर्तमान में सबसे प्राचीन सहस्कूट टीकमगढ़ के पास एक बानपुर है, अत्सय क्षेत्र बानपुर, वहाँ पाया जाता है। बानपुर में एक जिनालय है शिखरबंद, उस शिखरबंद जिनालय में एक पाषाण की विशाल शिला, वो करीब होगी 21 फीट की, और 21 फीट की उस शिला पर भगवान अर्हत परमात्मा की खड़गासन 1008 प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। ये सहस्कूट का प्राचीनतम रूप वर्तमान में उपलब्ध सहस्कूटों में दिखता है, जो लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी का माना जाता है। इसके साथ ही ऐसा ही सहस्कूट जो इससे छोटा है आपके रहली पटना में और आपके कोनी पाटन में, अस्य क्षेत्र पांडी कोनी जी में भी पाया जाता है, जो छोटा है एक फलक पे बना है। इसी तरह के सहस्कूट आपके यहाँ भी एक बना हुआ है कल्याण भवन में, जो जिनालय है उसमें, सम्मेद शिखर के 13 पंथी कोठी में भी सहस्कूट बना है। तो एक ही फलक पर छोटी छोटी प्रतिमाएँ विराजमान कर दी जाए वो सहस्कूट होती। वर्तमान में गुरुदेव के आशीर्वाद से बृहत्काय सहस्कूट की संरचना हो रही है, जिसमें 1008 प्रतिमा एक ही जिनालय के भीतर विराजमान हो रही है। तो ये सहस्कूट है, आप लोगों के यहाँ भी रेवती रेंज में देवोदय के अंतर्गत सहस्कूट की संरचना हो ही रही है, और आपने कोई रत्नमय सहस्कूट की बात की, निश्चित ये पुण्य के कारण है, हमें ऐसे अवसरों का लाभ लेना चाहिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में डुणाई तिरंगे शिरोमणि संरक्षक नरेंद्र जी टोंगिया भोपाल यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रश्न मेरी तरफ से, जगत के सब्जियों की तरफ से, मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री कहते हैं कि दुर्जन के ऊपर उपकार करने से भी वो अपकार ही करता है, तो क्या हमें दुर्जन पर उपकार नहीं करना चाहिए, और दुर्जन और सज्जन में पहचान कैसे करें? देखिए दो चीज़ें, एक है नीति और एक है अध्यात्म। जब नीति की दृष्टि से बात करें तो हमारी नीति कहती है सठे साठ्यम समाचरे, जो दुर्जन है उसके साथ दुर्जन जैसा व्यवहार करें। लेकिन अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म शास्त्र कहता है कि तुम्हारा शत्रु भी है और वो सामने आता है तो उसका भी सत्कार करो, उससे भी प्रेम करो। हमें सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। तो नीति का काम नीति से और अध्यात्म का काम अध्यात्म से। अगर व्यवहारिक जीवन में दुर्जनों की दुर्जनता को जानते हुए भी आप उसको मदद देते रहेंगे तो उसकी दुष्टता बढ़ेगी और उस दुष्टता के बल पर अनेक प्रकार का नुकसान भी कर सकता है। लेकिन अध्यात्म कहता है नुकसान तो कोई कर ही नहीं सकता, किसका नुकसान, कैसा नुकसान? नुकसान की बात तो केवल हमारे मन की कल्पना है, मेरी आत्मा का तो कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। और दुर्जन अगर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मदद करने का हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? अध्यात्म ऐसा करता है। तो जब हम अध्यात्म की शरण में जाएं तो समता को अपनाएं और नीति का मार्ग अपनाएं तो समझदारी को अपनाए। समता और समझदारी में बड़ा अंतर है। समता सब बातों को स्वीकार करती है, समता में सब स्वीकार्य होता है, अच्छा भी बुरा भी। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अरे घाव तारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। समता में सहज स्वीकार्यता है।
पर समझदारी में और चित्त का विवेक है, क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है, इसका विवेक है। तो नीति में समझदारी और अध्यात्म में श्री नरेंद्र जी टोंगिया शिरोमणि संरक्षक गुणायतन भोपाल से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश जी पाटोदी जो इस महान अनुष्ठान और पूरे चातुर्मास के मुख्य यजमान हैं। महाराज श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री पूरे भोपाल सकल जैन समाज की ओर से, साकेत नगर जैन समाज की ओर से महाराज श्री बहुत बहुत नमस्तु। महाराज श्री 21 तारीख का जो कलसा का कार्यक्रम जो इंदौर के सभी मंदिर वासियों ने जो आयोजित किया, मैं कई शहरों में महाराज श्री इसके बाद में गया हूँ और सब जगह एक ही चर्चा है कि ऐसा ऐतिहासिक कलसा रहो कलसा का कार्यक्रम तो आज तक नहीं देखा महाराज श्री। और इतनी, मैं भी उस समय वहाँ पे मौजूद था महाराज श्री, इतनी तादाद में लोग आए थे, 5-7 हज़ार आदमी बाहर भी थे स्टेडियम के, लेकिन बिल्कुल भी कोई गर्मी नहीं लगी, कुछ भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ महाराज श्री कि इतनी पब्लिक बैठी है और उसमें कोई तकलीफ किसी को हुई है। महाराज श्री, महाराज श्री बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं पूरा इंदौर का जैन समाज। महाराज श्री मेरा क्वेश्चन है कि जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है महाराज श्री? जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि कैसे पाई जा सकती, रोज का जो प्रवचन है इसी विषय पर चल रहा है। एक पंक्ति में यदि मैं कहूँ तो शांति और संतुष्टि को पाना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, दो काम कीजिए, सकारात्मकता को अपनाइए और सहिष्णुता का परिचय दीजिए। जिसके हृदय में सकारात्मकता हो, जिसके मन में सहिष्णुता हो, उसके अंदर सदैव शांति और संतुष्टि हो। लेकिन जो नकारात्मकता से ग्रसित हो और जिनका चित्त असहिष्णु और अनुदार हो, वो कभी भी संतुष्टि और शांति को प्राप्त नहीं करेगा, वो सदैव अशांत और असंतुष्ट। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुषमा असोट जी जैन खुरई जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। नमस्ते महाराज श्री। महाराज जी आजकल ये देखने में आता है बहुत से शिखरों पर भगवान विराजमान किए जाते हैं महाराज जी, और बहुत तेजी से महाराज जी ये चलन चल पड़ा, तो महाराज जी ये कहाँ तक उचित है? देखो, मंदिर के शिखर पर भगवान को विराजमान करने का कोई भी शास्त्रीय आधार नहीं दिखता। मंदिर में हर चीज़ का अपना अपना स्थान नियत है। झरोखे गोखले आदि शिखर में बनते, सुकनासा आदि के निर्माण की व्यवस्था है, लेकिन शिखर पर जिन बिंब को विराजमान करने का कोई विधान मैंने किसी भी प्रतिष्ठा शास्त्र, मंदिर शास्त्र या वास्तु शास्त्र में नहीं देखा, बल्कि इसमें एक प्रकार की अभिनय भी होती, न तो नियमित प्रक्षाल होता है न सही तरीके से विनय हो। इसलिए मैं तो सलाह दूंगा कि कहीं भी मंदिर का निर्माण हो, शिखर पर भगवान विराजमान मत करना। कई लोग इस भाव से मंदिर के शिखरों में भगवान विराजमान करने लगे हैं कि उस निमित्त से लोगों का दान आ जाता है। दान देने के और रास्ते निकाले जा सकते हैं, उपाय भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह की अशास्त्रीय प्रक्रियाएं समझ में नहीं आती, कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। जो लोग करते हैं वो ठीक नहीं करते, और मेरा आप लोगों से यही परामर्श है कि यदि कहीं ऐसा मौका है आप ऐसे दान दे देना, पर मंदिर के नाम भगवान के नाम पर दान मत देना और कहना कि भैया ये काम हमें पसंद नहीं। नमस्ते।
सुषमा जी अशोक जी जैन खुरई गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयारेंगे राहुल जी स्पोर्ट्स परिवार के साथ में, और उनके साथ में सचिन जी उद्योगपति जो दयोदय ट्रस्ट से अपने बीच में गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, और साथ में ही ऋषभ जी जैन जो हमारे अनुज निरंजन साठे जी महाराज के पूर्व अवस्था के भ्राता भी हैं। सुषमा अशोक जी जैन खुरई नहीं है क्या? प्रश्न बोलो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, निमित्त निमित्त संबंध क्या होते हैं? निमित्त निमित्त संबंध क्या होते हैं? क्या एक का पुण्य दूसरे के निमित्त से बनता है? निमित्त निमित्त संबंध क्या? आपने मुझसे सवाल क्यों पूछा? बोलो, आप यहाँ क्यों आई? आपके दर्शन करने। प्रश्न क्यों किया? बोलो, समझने के लिए, है ना? आप समझने के लिए प्रश्न किए, किससे समझने के लिए? मुझसे ना जी, ये भूल है। मैं समझा ही नहीं सकता आपको, और आप समझने वाली नहीं। अरे महाराज, आपने तो गड़बड़ कर दिया, तो मेरी इंसल्ट हो गई। नहीं, आप भले मेरे पास समझने के लिए आई हैं, और मैं भले आपको समझाने की चेष्टा कर दूं, पर सच्चे अर्थों में न तो मैं आपको समझा सकता, न आप मुझसे समझ सकते। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपके लिए निमित्त हूँ, और आप समझ रहे हो, ये नैमित्तिक। नमस्ते गुरुवर। समझ गए? ऐसा समझ। किसी ने आपको अपशब्द कहा, ध्यान से सुनो, किसी ने आपको अपशब्द कहा, ये निमित्त है, और अपशब्द सुनकर आपके मन में गुस्सा आया, है नैमित्तिक है। समझ गए? चलिए, हाँ राहुल। हाँ राहुल, स्पोर्ट्स जो इस पूरे चातुर्मास के मीडिया प्रभारी भी हैं, और प्रतिदिन की खबरें आप लोग देखते हैं पत्र पत्रिकाओं में, यहाँ के अखबारों में महाराज श्री जी का पूरा कवरेज करते हैं, एक बार जोरदार तालियों से इस पूरी टीम का ही स्वागत कर दें। सचिन जी भी लगे हैं पूरे, ऋषभ भैया भी, वह अपना प्रश्न रखेंगे, और उसके बाद में मैं उनको आमंत्रित करूंगा, जिसमें तालियों की आपको कंजूसी नहीं करना है, और वो प्रश्न भी करेंगे होने के बाद। हाँ, हो जाए। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले तो प्रश्न के पहले मैं यह बात बोलना चाहता हूँ सभी से कि महाराज जी को पता नहीं देखते ही साथ या इस माहौल में जैसे ही दर्शन होते हैं तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, मुझे लगता है कि मैं कैसे सबको महाराज श्री से जोड़ पाऊँ कि पूरे इंदौर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए। और महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे जैन धर्म की मान्यता अनुसार यह कहा जाता है कि कर्मों के हिसाब से सब तय है, पुण्य भाग्य जो भी है, तो क्या वर्तमान में अगर हम बहुत अच्छे कार्य करने के लिए चाहते हैं कि हो सके कुछ अच्छा पद पाना चाहते हैं, तो क्या हम वर्तमान कर्मों के आधार पर पा सकते हैं क्या महाराज श्री? पहले तो ये बताओ, किसने कह दिया कि सब कुछ तय? मैं कई बार किसी ज्योतिषियों या कई लोगों से बात करता हूँ। तो दिया, जब सब तय है तो तुम्हारा पूछना भी तय, मेरा उत्तर भी तय। तुम्हारा न समझना भी तय, और मेरा समझाने का प्रयत्न करना भी तय। नहीं महाराज जी, आप बताइए। चोर का चोरी करना भी तय, और जिसका चोरी होना उसका भी तय। अपराधी का अपराध करना भी तय, और शिकार का शिकार बनना भी तय। फिर बचा क्या? सब कुछ तय। जी महाराज। ऐसे भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि यदि ये बात मान ले तो एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही होना था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यही नहीं होना था, यही होना था। इस तरह के मृत विचारों को जैन धर्म में कहीं स्थान नहीं दिया गया। तुम जैसे युवाओं से मैं कहूँगा, जैन दर्शन में कारण कार्य का एक वैज्ञानिक नियम प्रवाह है, और ये कहते हैं कि कारण के अनुसार कार्य होता है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमश्य। कार्य का क्रमानुक्रम
कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। हम कैसी कारण सामग्री को जुटाते हैं उसके अनुरूप कार्य होता है। अभी तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं उत्तर दे रहा हूँ, मेरे उत्तर को बहुत गंभीरता से सुन रहे हो। इस समय तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार की संभावनाएं, अभी जहाँ मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे हो वहीं यदि मैं कोई जोक सुना दूँ तो हंस भी सकते हो, आरोप लगा दो तो चौंक भी सकते हो, कोई आश्चर्यजनक बात कर दूँ तो चकित भी रह सकते हो, कोई विस्मयकारी बात करूँ तो विस्मित भी हो सकते हो, है ना, और कोई दुखदायी बात करूँ तो दुखी भी हो सकते हो। तो तुम्हारा हंसना, चौंकना, चकित होना, विस्मित होना, दुखी होना, ये सब तुम्हारे अंदर की संभावनाएं हैं ना, पर प्रकट कौन सी होगी? जैसा सामने निमित्त आएगा जी। अब मुझे हंसना ही था, महाराज को हंसाना ही था, मुझे चौंकना ही था, महाराज को चौंकाना ही था, मुझे चकित होना ही था, महाराज को चकित करना ही था, ऐसा नहीं है। अग्नि पर चंदन का चूरा डालोगे तो सुगंध ही होगी, और बाल का टुकड़ा डालोगे तो बदबू ही आएगी, इसमें कौन निश्चय नहीं। लेकिन चंदन को पड़ना ही था, बाल को गिरना ही था, ऐसा कहाँ से आ गया भाई? इसलिए इन बातों को दिमाग में मत लाओ, और कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमश्च को हमेशा याद रखो। हाँ, अपन अनेकांतवादी, कुछ तय नहीं ये भी मानो और सब कुछ तय है वो भी मानो। जी महाराज, जब कुछ करने को उद्यत हो तो इस मानसिकता के साथ हो कि जो मैं करूँगा वही होगा, ठान के करो, और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वनवांछित काम न हो अथवा अचानक कुछ अघट घट जाए तो ये सोचो यही होना था। समझ गए? जी महाराज, यही होना था। ये चित्त के समाधान की भावना है, सिद्धांत नहीं। जी महाराज, अनेकांत सापेक्ष काम करोगे तो सदैव सुखी रहोगे, और एकांत को पकड़ लोगे तो रोते ही रहोगे। हाँ, इसके बाद में बासंती असोटी काले औरंगाबाद, और उनके साथ में ही शीला जी मोटले, जिनके पति पवित्र सागर जी महाराज, पूज्य पवित्र सागर जी महाराज जी, इन्होंने मुनि दीक्षा ली, जोरदार ताली सी, उनका स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। और साथ में कांता देवी जी औरंगाबाद एलोरा वाले अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में डी के जैन गोयल नगर है। गुरुदेव के चरणों में और पूरे महाराष्ट्र राज्य का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। प्रश्न बोलो। हाँ गुरुदेव, कांच के टुकड़े बनकर रहेंगे तो, कांच के टुकड़े बनकर रहेंगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। जिस दिन दर्पण बन जाओगे, जिस दिन दर्पण बन जाओगे तो बिना तुम्हें देखे कोई रहेगा नहीं, बिना तुम्हें देखे कोई रहेगा नहीं। तब गुरुदेव, हम दर्पण की तरह कैसे बने, कृपया समाधान कीजिए। कांच की तरह रहोगे तो कोई तुम्हें छुएगा नहीं, और दर्पण की तरह रहोगे तो कोई तुम्हें देखे बिना रहेगा नहीं। आपने पूछा है दर्पण की तरह कैसे बने। दर्पण की तरह रहने के लिए हमें दर्पण जैसा जीवन जीना अपेक्षित। दर्पण जैसा जीवन जीने के लिए क्या करना है? दर्पण कब बनता है? कांच दर्पण कब बनता है पता है? हाँ, जब उसमें पारा चढ़ता है, और पारा चढ़ने के लिए उसे पूरा चिकना करना पड़ता है। जिस दिन मनुष्य के जीवन में
सुचरित्र का पारा चढ़ेगा उसका जीवन दर्पण हो जाएगा और सब कुछ इसमें प्रतिबिंबित होने लगेगा। अपने आचरण को हम इतना पारदर्शी बनाएं कि वो हमारे जीवन को दर्पण जैसा बना सके। डीके जैन साहब गोयल नगर उपस्थित है, प्रश्न करें, उसके बाद में राजकुमार जी पाटोदी तैयार रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। महाराज जी, आपने 3 दिन पहले के प्रवचन में 4 बातें बताई थी, अनुशासन, आत्मानुशासन, समझ, समग्र और सक्रियता, सक्रियता के साथ क्रियाशीलता। महाराज जी उसी संदर्भ में मेरा शंका है कि अक्सर हमें अपध्यान और दुर्ध्यान सोचते रहते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। जैसे क्रिकेट मैच IPL इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हम राग द्वेष करते हैं कि यह टीम जीत जावे, यह टीम हार जावे, इसकी सेंचुरी बन जाए, यह आउट हो जावे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या करें कि हमारा इस ओर ध्यान नहीं जाए और हम अपने आत्मा के कल्याण में सतत उद्यमी बने रहें। एक ही बात है कि अपर ध्यान से या दुर्ध्यान से बचना है तो एक काम करो, एक कमांड अपने मन को दो, प्रयोजन से प्रयोजन रखने की। मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, जो काम का है उतना ही काम करना है। ये सोच अपने भीतर विकसित कर ले, कहीं कठिनाई नहीं हो। और यदि खेल देखना भी आपका प्रयोजन है तो खेल को खेल भावना से देखिए, राग द्वेष नहीं करें उसमें, राग द्वेष नहीं करें। एक जीते एक हारे कदाचित, आजकल के समय में खेल एक राष्ट्रीय भावना का भी प्रतीक बन गया। अपने देश के प्रति सबका अनुराग होता है, ये तो तय है। कोई भी खेल है तो एक जीतेगा एक हारेगा, तभी खेल का मजा है। दो ही बराबर हो गए, टाई मैच में क्या मजा है। तो जीत हार तो है, फिर भी मन में अगर ये कदाचित आता है कि ये जीते तो भी मैं उसे एक सीमा तक स्वीकार मान सकता हूँ, लेकिन पल पल की जो उथल पथल है ये ठीक नहीं है। दर्शकों में ज़्यादा होता है, खिलाड़ियों में नहीं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास हमें इन परिस्थितियों से बचा सकता है। नमोस्तु। राजकुमार जी पाटोदी अध्यक्ष सामाजिक संसद अपनी पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में सुशीला जी पाटनी आरके मार्बल आज अपने बीच में है, वे तैयार हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, सबसे पहले तो बहुत ही खुशी की बात है कि इंदौर समाज को यह चतुर्मास आपने दिया है, इसके लिए हम जितनी भी आपके नमोस्तु करें उतना हमारे लिए कम है। और पूरा जैन समाज ही नहीं, पूरा इंदौर संभाग और समस्त समाज आपकी आभारी रहेगी। गुरुदेव, अभी अभी आपने सारी कमेटियां निर्मित करवा दी है, आपने तो नहीं करी लेकिन आपके साथियों ने सब निर्मित करवा दी है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा कौन सा संदेश जाए, या हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि पूरे देश में ये संदेश जाए कि इंदौर का चतुर्मास एक ऐतिहासिक चतुर्मास रहा और उसका संकेत क्या रहेगा। बहुत अच्छा, पहले तो मैं चाहूँगा इस टीम का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप लोग रोज ये कह रहे हैं कि महाराज आपने बड़ी कृपा की कि इंदौर को चतुर्मास दिया, आप लोगों के मन में बड़ी उमंग भी प्रकट हो रही है कि हम लोग इस चातुर्मास को ऐतिहासिक चातुर्मास बनाएं। मैं कहता हूँ इंदौर का चातुर्मास अपने आप ऐतिहासिक चातुर्मास बन जाएगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने, इंदौर का चातुर्मास अपने आप ऐतिहासिक चातुर्मास बन जाएगा, बशर्ते इंदौर के लोग अपने पुराने इतिहास को पुनर्जीवित कर लेंगे। इंदौर का इतिहास बड़ा उज्ज्वल है। इंदौर एक ऐसा शहर रहा है जिसने पूरे देश की जैन समाज को सदैव नेतृत्व दिया है। देश में कुछ भी घटता
तो सबसे पहले लोग इंदौर पर नज़र रखते कि क्या हो रहा। आज पुनः वही समय आया, अभी भी पूरे देश की नज़र इंदौर पर है। अब इंदौर वालों को कुछ नया करने के लिए संकल्पित होना है और समर्पित होना है, और मुझे लगता है सब कुछ हो जाएगा। आप लोग केवल एक काम कर लीजिए, केवल एक काम, कि जो यहाँ से संकेत मिले हमें केवल उसका अनुसरण करना है। यहाँ से जो संकेत मिले हमें वही करना, उसमें अपना दिमाग किंचित भी नहीं लगाना। हमें एक रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ना है और समाज को रचनात्मक दिशा देने, अपने आप रचनात्मक उपलब्धि होगी। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, निमित्त हूँ, और अपने निमित्त से जो कुछ अच्छा होना होगा हो जाएगा। हम आप प्रयास करें, प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं, लेकिन इतना अनुभव और विश्वास है कि अच्छे भाव से जो भी प्रयास किया जाता है उसका परिणाम अच्छा ही आता है। प्रयास शुरू हो गए हैं, बहुत प्रसन्नता है कि आज पूरा इंदौर एक जाजम पर आकर के बैठा है। इसके परिणाम आएंगे, भारी तादाद में आज आप लोग सब लोग आए, मिलजुल कर कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुद को गर्व हो और को तो हो ही। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और मैं अब इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में इस देश के भामाशाह अशोक जी पाटनी की धर्मपत्नी सुशीला जी पाटनी अपने बीच में, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें, जो अपने तन को चारित्र के मार्ग पर लगा रही हैं और मन को ज्ञान और श्रद्धा के ऊपर चढ़ा रही हैं। और धन का उपयोग तो आप देख ही रहे हैं, जिस सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या जिस मंदिर में पहुंच जाएं वहां पर आर के मार्बल लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। वो अपने धन का इसी तरह जैन धर्म की पताका को और दीर्घांतर तक फैलाते हुए बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं पूरे आर के मार्बल के लिए। जोरदार तालियां। सुशीला जी पाटनी अपना प्रश्न कर रही है और यहाँ की कमेटी चाह रही है, मेरे पास पर्चियाँ भी आई है, वे सम्मान के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। चंदन वाला जी पाटो जी मुख्य यजमान, अनामिका जी, पिंकी जी पाटो जी, सरिता जी अजमेरा, प्रमिला जी पाटनी, वे सभी आए और आज अपने बीच में देश के भामाशाह की धर्मपत्नी यहाँ पर जो सुशीला जी पाटनी है उनका सम्मान अभिनंदन करें। आप लोग जोरदार तालियाँ बजाते रहें जब तक ये सम्मान। प्रश्न भी करना है पहले कर लो। आप लोग रुक जाओ थोड़ा सा, वो प्रश्न कर रहे हैं। सम्मान कर लो अभी नहीं। गुस्सा नहीं आता आपको गुरुवर? गुस्सा नहीं आता गुरुवर आपको? सदा आप मुस्कुराते रहते हैं, सदा आप मुस्कुराते रहते हैं, और सूरज के जैसे गुरुवर होते हैं जो सबको उजाला देते रहते हैं। आप इंदौर नगरी में इतना उजाला दे रहे हैं कि पूरी इंदौर की नगरी उजालमान बन गई। और महाराज श्री जी, मेरी शंका नहीं है लेकिन मेरे मन में विचार आता है कि जब 50 साल पहले हम जब परिवार में आए थे, हमारे जैसे बहुत, मेरे जैसे, तो बड़ों का बहुमान, आदर सम्मान, और कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना और कैसे पहनना, ये सारी चीज़ें हमने अपने बड़ों से बहुत सीखी और आज भी हम उसका अनुसरण करते चले जा रहे हैं। लेकिन महाराज श्री जी, आज ऐसा इस इतने सालों में हम देख रहे हैं, 100 साल, 200 साल, 500 साल पता नहीं, लेकिन इतने से सालों में इतना बदलाव आ गया पूरा हिंदुस्तान में, हमारे जैन समाज के परिवारों में कैसे खाना, ये सब चीज़ें दुर्लभ से होती जा रही है। आपसे हम रोज़ सुनते जा रहे हैं, तो ये क्या है महाराज श्री, काल का प्रभाव होता है या टाइम का प्रभाव होता है या और जैसे भी कोई प्रभाव होता है, तो आप मेरे मन की शंका का समाधान कीजिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुशीला जी का जोरदार अभिनंदन कर दे, आप लोग भी अपना काम कर ले। आज ये अपने बीच हैं, सुबह अशोक जी भी आए थे, अचानक उनको आवश्यक कार्य है तो यहाँ से जाना पड़ा। निश्चित इस परिवार का हमारे समाज को बहुत बड़ा योगदान है,
और सुशीला जी की भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जब संपन्नता के साथ धार्मिकता और धार्मिकता के साथ व्रतीपना आ जाता है तो हमारा जीवन और अधिक गौरव से मंडित हो जाता है। इनके अंदर वो सब चीज़ें हैं और सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि संपन्नता की सार्थकता भी धर्म संपन्नता में है, व्रत संपन्नता में। आपने जो बात रखी है कि ये परिवर्तन क्यों करें, दरअसल ये परिवर्तन बदलते हुए जीवन मूल्यों का परिणाम है। आज से 50 साल पहले की बात जब आप करते हैं तो उस समय प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और सहजीवन की प्रवृत्ति थी। आपको याद होगा उन दिनों एक कमरे में 8 लोग 10 लोग सोते थे, सब एक साथ सोते हो, लाइन लगा कर सोते, कोने की जगह पकड़ करके सोते, एक दूसरे के साथ संवाद होता था, एक चूल्हे में सब खाते थे, तो परस्परता थी, सहजीवन की वृत्ति थी। तो एक दूसरे के साथ अपने आप प्रगाढ़ता और आत्मीयता के संबंध बनते थे और हमें संस्कार में ही एक दूसरे का विनय, बहुमान, आदर करने की वृत्ति सीखने को मिल जाती। अब वो सब चीज़ें बदल गई, अब मकान की जगह फ्लैट आ गए, कमरे की जगह रूम आ गए, अब एक कमरे सब जितने सदस्य उतने कमरे हो गए, लोग अपने तक सीमित होने लगे, अब हमारी प्रवृत्ति पूरी तरह आत्मकेंद्रित होने लगी और बढ़ती हुई आत्मकेंद्रित वृत्ति ने हमें वस्तुनिष्ठ बना दिया। अब हमारा संबंध व्यक्ति से कम, चीज़ों से ज़्यादा हो गया और बढ़ती हुई इस वस्तुनिष्ठ प्रेम के कारण सबसे ज़्यादा यदि कुछ प्रभावित हुआ तो हमारे अंदर की संवेदनाएं, संवेदनाओं के छीन होने के परिणाम स्वरूप हमारी सोच बदल गई, व्यवहार बदल गया। अब हम कहते हैं जमाना बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया। मैं कहता हूँ जमाना तो पहले था, वही आज है। पहले भी सूरज पूरब से उगता था, आज भी पूरब से उगता है। पहले भी पश्चिम में सूरज ढलता था, आज भी पश्चिम में सूरज ढलता है। पहले भी हमारे पास दो ही हाथ थे, आज भी दो ही हाथ हैं। प्रकृति की सारी व्यवस्था जो पहले थी वही आज है। यदि देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं बदला। बदला तो क्या बदला, केवल हमारा दृष्टिकोण बदला, हमारी सोच बदल गई। और जहाँ सोच बदलती है वहाँ सब कुछ बदल जाता है। आज भी जिन लोगों के सोच में ये परंपरागत मूल्य प्रतिष्ठापित हैं उनके व्यवहार में ये बातें दिखती, वो सब बातें दिखती। आज ही मुझसे किसी ने कहा, एक परिवार है आपके इंदौर में, संयुक्त परिवार, कौन था नाम ध्यान नहीं आ रहा, 32 लोगों का परिवार एक चूल्हे में काम करता है, इंदौर का ही था। आज ही सुबह बताया नाम, बोला बहुत नोन परिवार है, एकदम से दिमाग से आउट हो रहा है, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। मतलब 32 लोगों का परिवार है, सब संयुक्त है, एक साथ रह करके अपना सारा काम कर रहे हैं। हाँ, केएस वालों का कह, केएस गारमेंट, आज ही बोला था ना, और बड़े अच्छे से रह रहे हैं। आपका भी उदाहरण है। तो ये चीज़ें हैं, वो आ सकती है, चीज़ें बोल कर नहीं सिखाई जाती, दिखा कर बताई जाती है। अगर घर परिवार में ऐसा वातावरण बनेगा तो नीचे उसका प्रवाह जरूर दिखेगा। हमें उस सोच को विकसित करने की ज़रूरत है। जो जो ऐसी सोच विकसित होगी चीज़ें सहज होंगी। नमस्ते महाराज श्री जी, नमस्ते। एन के जैन साहब अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में राकेश जी, रजनीश गोदा जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं तैयार रहे हैं।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज बहुत ही प्रसन्नता अनुभव हो रही है कि गुरुदेव के माध्यम से जो यहाँ कमेटी गठित हुई है उसमें प्राथमिकता से युवाओं को जोड़ा गया है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आपकी जो भी सोच रही है कि युवा लोगों को आगे बढ़ाना है तो वो सोच इसमें परिवर्तित होती दिख रही है। मैं उन सभी युवा लोगों से जो इस चातुर्मास समिति में अपने कंधे से कंधा मिलाकर और सहयोग करना चाहते हैं, हमारे भाई नवीन गोदा और सभी इन्हीं के हम उम्र, मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि वो अपना तन मन धन पूरी तरह से इस चातुर्मास में अर्पित करके और इस चातुर्मास को विश्व पटल पर स्थापित करने की प्रक्रिया में सहभागी बने। ये तो भी बात। अब मैं एक छोटी सी शंका जो मेरे मन में आई है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। आज पृथ्वी का दोहन निरंतर हो रहा है, जगह जगह पानी के स्रोत के लिए बोरिंग बोरवेल आदि खोदे जा रहे हैं और अक्सर ये सुनने में आता है कि कोई बोरवेल खुद रहा था, खुला पड़ा था, उसमें कोई बच्चा गिर गया, कोई बच्ची गिर गई। तो ये प्रकृति का प्रकोप है या उन बच्ची और बच्चियों को, क्योंकि उन बच्चों को और बच्चियों को तो कोई इस चीज़ का वो है नहीं कि कहाँ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये प्रकृति का प्रकोप ही महसूस होता है कि दोहन जो हो रहा है वो निरंतर ना हो और बंद हो। बहुत अच्छी बात। सबसे पहली बात तो आपने जो प्रसन्नता व्यक्त की है ये सभी की प्रसन्नता का कारण है। जहाँ तक युवाओं को आगे बढ़ाने की बात है, मैंने नहीं बढ़ाया, मैं तो ये मानता हूँ आप लोगों ने ही उदारता दिखलाई। नहीं तो अक्सर ये होता है कि उम्र पार कर जाने के बाद भी हमारे पुराने लोग 75 और 80 साल तक जवान बने रहते हैं तो हमारे जवानों को बुढ़ापे तक अवसर ही नहीं मिल पाता। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी बूढ़े हों, लेकिन इतना ध्यान रखना है, हम बूढ़े ना हों इसका तो ख्याल रखें, पर इतना भी ध्यान रखें कि हमारे जवान बने रहने का साइड इफ़ेक्ट हमारे पीछे वालों पर ना पड़े, ताकि वो बूढ़े हो जाएं और उन्हें काम करने का अवसर भी ना मिले। इसलिए मैं हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करता हूं, उनको आगे देखना चाहता हूं। और मेरी भावना है, मान्यता है कि अगर धर्म और समाज के कार्य में युवा जुड़े रहेंगे तो धर्म जवान बना रहेगा, और उस क्षेत्र में केवल बूढ़े रहेंगे तो धर्म भी बूढ़ा रह जाएगा। इसलिए जवानों को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन जवानों को भी चाहिए कि बूढ़ों का आशीर्वाद ले, मार्गदर्शन ले, उनके अनुभवों को साथ लेकर के चले, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। आपने जो बात कही कि इस तरह की दुर्घटनाएं क्या प्रकृति का प्रकोप है, मैं कहूँगा प्रकृति का प्रकोप तो मैं इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप एक आध व्यक्ति पर नहीं होता, वो सामूहिक होता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा प्रकृति का अंधाधुंध दोहन का कुपरिणाम है। यदि हम प्रकृति के साथ इसी तरह छेड़छाड़ करते रहेंगे तो इस तरह की गंभीर घटनाएं घटती रहेगी, हमें उससे बचना चाहिए। राकेश जी, रजनी जी, गोदा, ट्रस्टी गुणायतन अपना प्रश्न करेंगे, उसके बाद में हेलो और परम संरक्षक है। ठीक है, राहुल जी और उनके सुपुत्र पूरा परिवार ही साथ में, और उसके बाद में छुल्लक आदर सागर जी महाराज जी से अपन। रमो लोई सभी सावड़म गुरुदेव, रमो लोई सभी सावड़म। हे गुरुदेव, जीव में कोई हड्डी नहीं होती,
जीव में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन ये किसी की भी हड्डी तोड़वा सकती है। जीव में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन ये किसी की भी हड्डी तोड़वा सकती है। गुरुदेव, जीव यानी रसनांद्री, रसनांद्री चक्कर में दिन प्रतिदिन अनैतिक अनाचार पापाचार करते जा रहे हैं, और करते क्या जा रहे हैं, चढ़ते हैं गुरुदेव, खाना दूर की बात हो गई जी गुरुदेव, और रसनांद्री में ओम समझ गया। तो गुरुदेव निवेदन ये है कि इस रसनांद्री के मकर जाल से चक्रु से कैसे बचें? बस कुछ मत करो, थोड़े दिन मेरा आहार देख लो। आपके साथ ही गुरुदेव, संकल्प से चीजें बदलती हैं। जब तक मनुष्य अपनी दृष्टि नहीं बदलता, संयम नहीं है। दृष्टि को बदल दीजिए, चीजें सहज हो जाएगी। संयम और कुछ नहीं है, अंतर दृष्टि की अभिव्यक्ति। यदि हमारे मन का विवेक जाग जाए तो सहज संयम प्रकट हो सकता, हमें उसका ध्यान। नमस्ते गुरुदेव। हाँ चुल्लक, अपने संघ की शोभा और ज्येष्ठ चुल्लक आदर सागर जी महाराज जी, वे गुरुचरणों में अपनी शंका के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन कराएंगे, और उसके बाद में सनत जी विजय जी बोरा तैयार रहे यदि समय बचेगा तो। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, एक व्यक्ति है जिसे गलत संगति की वजह से सप्त व्यसन का आदत लग जाता है, किसी पुण्योदय से वह आपके प्रवचन सुनना शुरू कर देता है, उसे गलती का आभास होता है और वह निंदा ग्रह करके अपनी गलती को धोना चाहता है। तो महाराज जी, प्रश्न यह है, क्या ऐसे व्यक्ति का कल्याण संभव है? दूसरा, उसे अब अपने जीवन में क्या करना चाहिए? और तीसरा, समाज का ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं कहूँगा, ऐसे व्यक्ति के प्रति हमें वही दृष्टिकोण रखना चाहिए जो हम चारुदत्त के प्रति या अंजन चोर के प्रति रखते हैं। चारुदत्त जो कभी दारुदत्त बन गया था, और अंजन चोर जो सब पापों में पारंगत था, लेकिन हम देखते हैं दोनों बदले तो पूरे जीवन की काया पलट हो गई। अगर कोई व्यक्ति बिगड़ गया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, युग ही ऐसा है। पर यदि बिगड़ा हुआ व्यक्ति बदलने को राजी है तो हमें उसे हृदय से लगाना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के एक शिष्य थे, आचार्य पाय सागर महाराज, बड़े महान वाग्मी और प्रभावी आचार्य थे। वे शांति सागर जी महाराज की शरण में आने से पहले सातों व्यसनों में पारंगत थे, और वे कहा करते थे, मैं तो पाप सागर था, आचार्य महाराज ने मुझे पाय सागर बना दिया। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके अतीत से नहीं, उसके वर्तमान से करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जिसका अतीत काला हो उसका भविष्य भी काला हो, हो सकता है जिसका अतीत काला है उसका भविष्य उजला होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि जितने का वर्तमान उजला तुम्हें दिखता है, उन सब के अतीत में झांक कर देखना, सबका अतीत काला दिखाई पड़े। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक रुख तो रखना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बस इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए यदि अपने जीवन के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चयतः सफलीभूत होंगे। और इसकी जगह हम पूर्वाग्रह युक्त दृष्टिकोण रखेंगे और ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा पूर्ण व्यवहार करेंगे तो परिणाम कतई अच्छा नहीं होगा। हम ऐसे लोगों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, और ये बात हमारे हृदय अपने हृदय में हमेशा ढाल के रखें, बना के रखें कि जो गिरेगा वही तो उठेगा। गिरना बुरा नहीं है, पर गिरने के बाद उठने की कोशिश नहीं करना बुरा है। तो हम गिरकर उठने की कोशिश करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिससे हम सबका जीवन सफलीभूत हो सके। समय आप सबका हो गया है। आज सनत कुमार जी का कौन है? सनत जी विनय जी बोरा माणक चोट, अपना प्रश्न थोड़ा फास्ट रखें, नमोस्तु नहीं बोलेंगे, सीधे सवाल करो, गाली छूटनी है। हाँ, हम तीर्थंकरों का शांति धारा अभिषेक करते हैं महाराज जी,
तीन निरंजन निराकार की शांति धारा में हम कुछ न कुछ मांगते हैं, हमारे कष्ट छिन्द भिन्द हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। आपका आशय मैं समझ गया, आपका कहना है भगवान की शांति धारा से क्यों मांगते हैं। मैं तो कहता कुछ मत मांगो, शांति मांगो, सब हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ सर्व शांति भवतु, सबकी शांति हो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य मुनि।